क्लास एट में एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री, ठीक है। इंटीरियर एंगल 165 है तो साइड्स क्या होगा। इंटीरियर एंगल यदि दिया हुआ है और इंटीरियर एंगल से हमको नंबर ऑफ साइड्स निकालना है, इंटीरियर एंगल के थ्रू निकालना है नंबर ऑफ साइड्स, तो निकालना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए हमको इंटीरियर एंगल के जगह में एक्सटीरियर एंगल पे आना पड़ेगा। और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, लीनियर, जब भी बनाएगा क्या बनाएगा, लीनियर पेयर। इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल के साथ लीनियर पेयर बनाता है, यानी निश्चित है एक्सटीरियर एंगल 15 डिग्री होगा ही होगा। और टोटल एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री होता है, वो हमको मालूम ही है, ठीक है। हमको ये मालूम नहीं टोटल इंटीरियर एंगल कितना होता है, वो हमको नहीं मालूम, पता नहीं चलता है। उसके लिए हमको क्या है, फॉर्मूले से निकालना होता है, ठीक है। लेकिन एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू बिल्कुल फिक्स है कि चाहे जितने भी साइड्स हो, लेकिन एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 होगा। और इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम इजीली निकाल सकते हैं कि 360 डिग्री टोटल सम है, 115 डिग्री है। इसका मतलब जो है ये वैल्यू जो होगा 24 जैसा जो आएगा वो इसका टोटल नंबर ऑफ एंगल होगा, और जितने एंगल्स हैं उतने ही साइड्स होंगे। 24 एंगल यदि बने हुए हैं अंदर में तो 24 साइड्स भी होंगे, 24 लाइन सेगमेंट भी इसमें होंगे होंगे, ठीक है। इसका हम यूज करिए। अच्छा, बाद में जब ये सॉल्व हो जाएगा उसके बाद मैं एक ट्राई करूंगा बताने का कि इंटीरियर एंगल को ही लेके बनाना कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसको हम एक बार प्रूफ तो करेंगे ताकि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए और आप उस वे को यूज करें ही नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले जो अपने को बनाना है वो पहले हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। सिंस इन द रेगुलर पॉलीगॉन, जानते हैं कि सिंस इन एनी रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन ठीक है, किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन में क्या होता है कि मेजर ऑफ ऑल, ठीक है, इंटीरियर एंगल, मेजर ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल आर इक्वल होता है। एंड दूसरा क्या है कि इंटीरियर एंगल एंड ऑल्सो लिखिए, एंड ऑल्सो इंटीरियर एंगल मेक्स क्या बनाता है, लीनियर पेयर, मेक्स लीनियर पेयर विथ एक्सटीरियर एंगल, मेक्स लीनियर पेयर विथ एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल के साथ इंटीरियर एंगल जो है लीनियर पेयर बनाता है। ऑल्सो इंटीरियर एंगल मेक्स लीनियर पेयर विथ एक्सटीरियर एंगल, so in any regular polygon measure of all ठीक है, exterior angle will also be equal, ठीक है, ये इक्वल होगा ही होगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट बुक में दिया हुआ नहीं है, नहीं तो हम सीधा इसको इसी स्टेटमेंट का यूज करके सीधा बना दिए होते, ठीक है। लेकिन ये इतना हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल कितना है, मेजर ऑफ
इंटीरियर एंगल, सिंस मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू कितना है 165 डिग्री, ठीक है 165 डिग्री है, तो मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, मेजर देयरफॉर मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, एंगल इक्वल टू 180 माइनस 165, ठीक है। लीनियर पेयर बनाता है, ज्यादा ज्यादा लिखना हो तो आप लिख दीजिए लीनियर पेयर, ओके तो कितना हो जाएगा इक्वल टू 15 डिग्री, ठीक है। मालूम ही है ये सभी सेम होता है, ये हमने लिख ही दिया है कि जितने भी है ऑल इंटीरियर एंगल मेक्स लीनियर पेयर विद एक्सटीरियर एंगल, सो इन एनी रेगुलर पॉलीगन मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल विल ऑल्सो बी इक्वल, तो सभी एक्सटीरियर एंगल जो है वो सेम ही होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, टोटल मेजर ऑफ ऑल, ठीक है, टोटल ऑल्सो टोटल मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल टोटल मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू कितना है 360 डिग्री होता ही है, ये मालूम ही है आपको कि टोटल मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, तो नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू कितना होगा, नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल नंबर ऑफ साइड्स के बराबर ही होता है, इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स लिख देते हैं, नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 बाय 15, ठीक है। वैल्यू को निकालिए, 15 टू जा 30, 15 फोर जा 60 इक्वल टू 24 नंबर, ओके 24 नंबर, तो नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया 24 नंबर, तो क्या लिखेंगे लास्ट में, सो रेगुलर पॉलीगॉन है 24 साइड्स, सो रेगुलर पॉलीगॉन हैव 24, ठीक है, साइड्स, रेगुलर पॉलीगॉन है 24 नंबर ऑफ साइड होगा, ठीक है, ये क्लियर होगी आप लोगों को। अब हम इसको इंटीरियर एंगल से प्रूफ करने का कोशिश करते हैं कि इंटीरियर एंगल से ये प्रूफ होता है, बनता है या नहीं बनता है, ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे का हम देखते हैं इसका, देखिए एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, ठीक है, इंटीरियर एंगल के बारे में हम बात करते हैं, रेगुलर ट्रायंगल है, तो रेगुलर ट्रायंगल है तो इसका टोटल सम कितना होता है, टोटल सम होता है 180 डिग्री, ये 180 डिग्री कहां से आया, n-2 into 180, ठीक है, या वन ट्राइंगल ठीक है इंटू 180, ठीक है, एक ही ट्राइंगल है तो 1 into 180, ठीक है, ट्राइंगल मैंने अलग से लिख दिया लेकिन 1 into 180, ट्राइंगल के हिसाब से देखा जाए तो 1 into 180, साइड्स के हिसाब से देखा जाए n यदि नंबर ऑफ साइड्स है तो साइड्स के हिसाब से देखा जाए तो 3-2 क्योंकि इसमें 3 साइड्स है, 3-2 into 180, ठीक है, तो वैल्यू क्या होगा कि 180 में, ठीक है, n माइनस टू जो था वो 3-2 था, ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स, अब हम इसको छोड़ देते हैं, साइड्स के हिसाब से हम लेना चालू करते हैं, ठीक है, तो इससे लेंगे तो भी वही होगा, अलग नहीं होगा,
ठीक है बाय, ठीक है तो कितने हैं ट्राइंगल में, थ्री साइड्स है, ओके तो थ्री साइड्स हमने रखा तो कितना वैल्यू आया, 60 डिग्री आया। ठीक है सेम टू सेम यदि हम क्वाड्रिलेटरल की रेगुलर क्वाड्रिलेटरल में क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर ही आता है, ठीक है तो इसके टोटल, ठीक है एन माइनस टू टोटल कितना होता है वैल्यू इनटू 180, ओके तो वैल्यू यहां पे 4 है, 4 में 2 गया तो 2 बचा, तो 2 से कितना हो गया 360 बाय क्या करना पड़ेगा, एन का वैल्यू 4 है तो 90 डिग्री आता है। ठीक है अभी इसमें वैल्यू ये दिया हुआ है, ठीक है इसमें वैल्यू दिया हुआ है यानी कि जब भी हम वैल्यू लेते हैं तो क्या लेते हैं, नंबर ऑफ एंगल यानी जो टोटल वैल्यू आता है, टोटल एंगल वैल्यू जब भी आएगा वो कितना आएगा, n माइनस टू इंटू 180। जब भी टोटल एंगल वैल्यू आएगा तो n माइनस टू इंटू 180 आएगा, ठीक है और किसी एक एंगल का, ठीक है वन एंगल का वैल्यू यदि निकालना है, वन एंगल वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा कि जितने एंगल वैल्यू हैं उसमें से, क्योंकि यदि वन एंगल का वैल्यू यदि हमको आ गया तो नंबर ऑफ साइड्स हमको मिल जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स क्या है इंटरनल एंगल से हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो वन एंगल वैल्यू जब भी आएगा तो कितना आएगा, ये वैल्यू बाय टोटल नंबर ऑफ एंगल, ठीक है टोटल नंबर ऑफ एंगल, टोटल नंबर ऑफ एंगल कितना होगा, तो वन एंगल वैल्यू हमको, एंगल वैल्यू जो है उसको हमको डिवाइड करना पड़ता है, डिवाइड करने से टोटल नंबर ऑफ एंगल हमको आ जाता है, ठीक है वही एंगल जो है वो, ये एंगल जो है वो वही है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है ठीक है टोटल नंबर ऑफ एंगल जो होगा वो नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ एंगल सेम ही है, ठीक है नंबर ऑफ साइड्स लिखिए नंबर ऑफ, यानी एन इक्वल टू एन माइनस टू इंटू 180 बाय वन एंगल वैल्यू, ये आया तो एन इंटू वन एंगल वैल्यू, ठीक है वन एंगल वैल्यू इक्वल टू एन माइनस टू इंटू 180, ठीक है अब वैल्यू निकालने के लिए ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, n को आप इधर ले लेंगे, ठीक है वन एंगल वैल्यू तो हमको दिया हुआ है, ठीक है वन एंगल वैल्यू हमको दिया हुआ है, लेकिन वन एंगल वैल्यू को यदि आप रखें 165 आपने यहां पे रखा, तो 165 यदि रखेंगे भी तो भी देखिए आप कि n माइनस टू इंटू 180 बाय 165 है, ठीक है इसको हम कट करते हैं तो 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, ठीक है 3 11 जा 33, 3 12 जा 36, वैल्यू क्या है n माइनस टू इंटू 12 बाय 11, ठीक है ये जो है नंबर ऑफ एंगल, कितने एंगल हैं या कितने साइड्स हैं, इसमें से हमको निकल जाएगा नंबर ऑफ साइड्स या नंबर ऑफ एंगल हमको इसमें से निकल जाएगा, ठीक है फिर भी निकालने में हमको कहां तकलीफ आएगा कि नंबर ऑफ एंगल, आप इसको एक बार विचार करके कोशिश कीजिएगा कि अंदर के एंगल से निकलता है या नहीं निकलता है और किस तरह से निकलेगा, ठीक है जब भी आप निकालेंगे तो आप मतलब कॉम्प्लिकेट होता चला जाएगा, ठीक है वैल्यू जो है कॉम्प्लिकेट। अब इसमें यदि हम वैल्यू हम रखें
तो हमको n के वैल्यू को अपने हिसाब से तय करके रखना पड़ेगा। जैसे n का वैल्यू हमने 1 रखा, ठीक है, 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, इस तरह से हमको रखना पड़ेगा, तब हमारा क्या होगा, तब हमारा हमको ये वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ एंगल हमको पता चलेगा, ठीक है। अब जैसे हमने यहां 1 रखा, तो 1 माइनस 2 माइनस माइनस में साइड, साइड नंबर ऑफ साइड माइनस में तो नहीं हो सकता, ठीक है। 2 रखा, 0 हो गया, हो नहीं सकता। n का वैल्यू 3 रखा, तो 3 माइनस 1 नंबर ऑफ साइड्स यदि 3 है, तो 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 हुआ, ठीक है, 1 इंटू 12 बाय 11, ठीक है। तो 1 क्या हुआ, वैल्यू 12 बाय 11 हो गया, 3 रखने से, 3 रखने से क्या हो गया, 12 बाय 11 हो गया। 12 बाय 11 ऐसा कोई नंबर का साइड होते नहीं, साइड्स मतलब होल नंबर होना चाहिए। 1 2 3 कितने साइड्स हैं भाई, 3 साइड्स है, क्यों 1 2 3, ऐसा काउंटिंग वैल्यू होना चाहिए, ऐसा रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये संभव ही नहीं है। अब ये नंबर को हम देखते देखते जब हम पहुंचते हैं 13 पे, तो 13 माइनस 2 इंटू 12 इज इक्वल टू 11, मतलब 1 से लेके 13 तक n के वैल्यू को एक एक करके आपको रखना पड़ेगा। फिर जब आप 13 पे आएंगे, तब आप देखेंगे कि 13 माइनस 2 इंटू 12 इक्वल टू क्या होगा, 11 इंटू 12 बाय 11 होता है, और 11 कट हो जाता है, यानी होल नंबर 12 आ जाता है, ठीक है। होल नंबर 12 इस जगह में आ जाएगा, लेकिन फिर भी ये वैल्यू देगा नहीं आपको। क्यों नहीं देगा वैल्यू ये, क्योंकि अब ये 12 हमारा एक बार वैल्यू आ गया, ठीक है, अब ये वैल्यू नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, देखिए कैसे नहीं देता है। तो टोटल एंगल कितना है, टोटल मेजर जो इंटरनल एंगल है, इंटरनल एंगल कितना होता है, n माइनस 2 इंटू 180, ये होता है। यहां पे हमने n के जगह में 13 यदि रख दिया, 13 माइनस 2 इंटू 180, ठीक है, तो वैल्यू कितना आया, 1980 आया, 1980 का डिग्री आया। और 1980 को 13 से यदि हम डिवाइड करते हैं, तो 1980 को 13 से डिवाइड करते हैं, तो 13 वन जा 13, 6, 13 फाइव जा 65, फिर बाद में 30 बच जाता है, यानी ये डिवाइड हो ही नहीं सकता। टोटल नंबर ऑफ एंगल, ठीक है, डिवाइड ये हो ही नहीं सकता, यानी टोटल नंबर ऑफ एंगल होल नंबर में नहीं आते, यानी यहां तक पहुंचने के बाद भी हमको यहां पे एक समस्या आ गया, ठीक है। अब हम दूसरा नंबर खोजेंगे, एन का दूसरा वैल्यू खोजेंगे, दूसरा वैल्यू भी 13, 14, 15, 16 ऐसा जाते जाते जब 24 पे आएंगे, तो 24 माइनस 2 इक्वल टू कितना होगा, 22 हो जाएगा, और 22 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 2 होगा, 24 हो जाएगा यहां पे। अब इस 24 को यहां पे रखने से क्या होता है, वैल्यू जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 3960 आएगा। और इस कंडीशन में जब 3960 को उसके जो हमने 24 माना है उससे यदि मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा टोटल नंबर जो आएगा वो 165 डिग्री आएगा। आया समझ में, 165 डिग्री जो हमने लिया हुआ है। तो इस तरह से इतना कॉम्प्लिकेशन के साथ बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो हमने 11 जब हम 13 हमने लिया था, तो 13 से जब हम ड्रॉ करेंगे ना, 13 से जब हम ड्रॉ करना चालू करेंगे, तो इस तरह से ड्रॉ होता हुआ क्या होगा, एंगल 165 बनाना है, सब जगह में 165 का एंगल बनता जाएगा, ठीक है, तकलीफ नहीं आएगा। लेकिन क्या होगा कि लूप जो है आगे क्लोज होगा ही नहीं, ऐसा आगे में आके रह जाएगा, ठीक है। तो यह भी जरूरी है कि उसके जो नंबर आपने लिए वो टोटल मेजर में डिवाइड होने चाहिए, डिवाइड हो जाएंगे तभी ये क्लोज होगा, ठीक है। तो ये जो इंटरनल एंगल्स हैं यदि आप लेने की कोशिश करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। एक एक नंबर को बढ़ा बढ़ा के यहाँ आप नंबर डाल के फिर आप इसको आगे बढ़ा के फिर एक जगह में आएंगे, फिर वो बनेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि वो पूरी तरह से डिवाइड ही नहीं है उस नंबर से, ठीक है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए वो तरीका जो है वही ज़्यादा सही है, ठीक है।